नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत। केंद्रीय बंगोपसागर दाना बांधुची आउ एक लघुचाप 22 तारीख में उत्तर आंडमान सागर में सृष्टि हो पारे लघुचाप 23 तारीख सुधा बात्यार रूप नहीं पारे 26 तारीख में यह उपकूल छुई पारे तेरे 26 तारीख निश्चित भाव में प्रभाव ओडिशा रे रहिबो माड़ ओडिशा रे हेबो एक कथा कहा जाउची जहां निश्चित भाव में चिंताजनक विषय आपण ए चित्र रे देखि पारुछंती दाना बांधुची लघुचाप एवं वर्तमान परिस्थिति रे यहार ओडिशा उपरे कोन प्रभाव पड़िबो जदिओ स्पष्ट चित्र मिली पारि नाही पाणिपाग विभाग सहित आम आलोचना करबा आम अधिक कथा बा किंतु आपण को कह रखिया पई चाहूची आपण देखुछंती जे किभली भाव में दाना बांधुची लघुचाप एवं यहार प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो बोली कहा जाउची विशेष भाव में दीघा उपकूल छुईबी कहुचा उपर कौन प्रभाव पड़ता नजर रहिबो आंडामान सागर में सृष्टि हो पारे लघुचाप 23 तारीख सुधा यह बात्यार रूप नहीं पारे एवं 26 तारीख बेलू यह उपकूल छुईपे जहाँ सूचना रोचे 26 तारीख राति 9टा सुधा यह उपकूल छुईपे यह कि अधिक आलोचना करवा किंतु केन्द्रीय बंगोपसगर में आउ एक लघुचाप दाना बांधुची जहाँ निश्चित भाव में चिंतार पकई विशेष भाव में ओडिशा उपर यार कौन प्रभाव पड़ 22 तारीख में उत्तर आंडामान सागर में सृष्टि हो पारे लघुचाप 23 तारीख सुधा बात्यार रूप नहीं पारे केन्द्र बंगोपसगर में दाना बांधुची लघुचाप 26 तारीख में यह उपकूल छुईब ए मैप आपने देखिपे हूँ पाणीपागर मैप एवं किभली भाव में लघुचाप दाना बांधुची से चित्र आप स्पष्ट भाव में देखिपे यह उपकूल में अधिक प्रभाव पकेबो ओडिशा रे माड़ हेबो बोली जहां सूचना रहुची किंतु किछि समय परे गतिविधि बा चित्र पूरा पूरी स्पष्ट होइजबो जे ओडिशा उपरे यहार कौन प्रभाव पड़िबो जदि ओडिशा उपरे अधिक प्रभाव पड़ुची तेबे निश्चित भाव में उपकूलवर्ती जो जिला माने रहउचंती सेमान को उपरे अधिक विपद रहिची एवं सेमान को पई चिंताजनक विषय रहिची किंतु 26 तारीख एहा उपकूल छुई पारे बोली वर्तमान सुधा एहा स्पष्ट होइची वर्तमान गतिविधि कौन रही एथिरे परिवर्तन मध्य आसी पारे पाणिपाग विभाग धीरे धीरे स्पष्ट चित्र सामना को आनिबो किंतु आउ एक बात्या आसुची आपण जानिथिबे ओडिशा पई बात्या किछि नुआ कथा नुह बारंबार अनेक बात्या सहित जुझिछंती ओडिया एवं वर्तमान भी एक चिंताजनक विषय 22 तारीख रे उत्तर आंडामान में माड़ हेबो 23 तारीख सुधा बात्यार रूप नेब 26 तारीख में यह उपकूल छुईपे बात्या ओडिशा उपकूल छुईबार आशंका कराउं एवं से बाबद पाणिपाग विभाग धीरे धीरे स्पष्ट कर चित्र केन्द्रीय बंगोपसगर में दाना बांधुची आउ एक लघुचाप 22 तारीख में उत्तर आंडामान सगर में सृष्टि हो पारे लघुचाप 23 तारीख सुधा बात्यार रूप नहीं पारे 26 तारीख में यह उपकूल छुईपे विशेष भाव में उपकूलवर्ती जो जिलागुड़िक रही कौन प्रभाव रही नजर रहा ओडिशा उपरे यहार केते मात्रा रे प्रभाव पड़ुछि ए बात्या ओडिशा उपरे केते मात्रा रे प्रभाव पकेबो ता उपरे नजर रहिबो तबे 26 तारीख रे उपकूल छुई पारे बोली जहां सूचना रहिछि किंतु तार रूपरेख कोन रहिबो से बाबद रे अधिक आलोचना करबा पाणिपाग विभाग सहित किंतु वर्तमान चित्र आपण देखि परछंती किभले भाबरे लघुचाप दाना बांधुछि एवं धीरे धीरे यहा उपकूलवर्ती जिला मानकु छुईबो बोली कहा जाउछि विशेष भाबरे उपकूलवर्ती जिला मानक यार प्रभाव पड़िबो बोली कहा जाउछि एवं पाणिपाग विभाग जहाँ कहिबा कथा जे यहा ओडिशा रे माड़ हेबो वर्तमान सुधा किछि स्पष्ट चित्र आसी पारु नाही धीरे धीरे ए चित्र क्लियर हेबो किंतु ओडिशा उपकूल छुईबा आशंका जेहेतु अछि तेणु करे कहा जाउछि ओडिशा उपरे यहार प्रभाव पड़िबा आपण देखि पारुछंती किभलि भाबरे ए जगह होछि लघुचाप किभलि भाबरे दाना बांधुछि एवं विशेष भाबरे उपकूलवर्ती जो जगह रहिछंती एपटे कोलकाता रही एपटे आप देखिपुट भुवनेश्वर रही भुवनेश्वर एपटे राउरकेला रही तो जी उपकूलवर्ती एरिया अच्छी से एरिया रे अधिक माड़ हेबो एवं ओडिशा रो उपकूलवर्ती जिला मानक वर्तमान एक चिंताजनक विषय बोली कहा जाय पारे विशेष भाव में जदि देखा ये कहा जाउछि लघुचाप बात्यार रूप नेब एवं ओडिशा प्रति विपद एथिपई कहा जाउछि जेहेतु उपकूलवर्ती जिला मानक छुईब तो निश्चित भाव में ओडिशा प्रति विपद अच्छी 26 तारीख में यह उपकूल छुईपे 23 तारीख सुधा यह बात्यार रूप नहीं पार 22 तारीख में उत्तर आंडामान सागर में सृष्टि हो पारे लघुचाप आमर 11:30 पर्यंत इनफॉर्मेशन अच्छी उत्तर आंडामान सी रे 22 तारीख को गोटे लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हबो आ 23 को लघुचाप रे परिणत हबो
उत्तर आंडामानसी और पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर ए सिस्टम टी ग्रेजुअली वेस्ट बंगाल ओडिशा कोस्ट आड़ 26 इवनिंग रे पहुँचवार संभावना अच्छी आर जो आम करूँ भविष्यवाणी ओडिशा वेस्ट बंगाल रे पर्टिकुलरली ओडिशा रे 26 इवनिंग रु रेनफॉल भी आरंभ हो एनहांस रेनफॉल एक्टिविटी हम तेणु वर्तमान लेटेस्ट यही अच्छी जे साइक्लोनिक स्टॉर्म हम आउ उत्तर पश्चिम दिगरे जीव आउ वेस्ट बंगाल ओडिशा कोस्ट आड़ को 26 इवनिंग पर्यंत निश्चित भाव में 26 इवनिंग परे यहा वेस्ट बंगाल कोलकाता आड़ को जीवो जहां आपण देखि पारुछंती जे जोठी दाना बांधुची लघुचाप जहां चित्र आपण देखुछंती एथारे लघुचाप दाना बांधुची वेस्ट बंगाल रो जहां उपकूलवर्ती जिला रहिछि कोंतु बा विशेष भाव में ओडिशा जदि आमे कहिबा तो बालेश्वर सपोर्ट एरिया दिखारे लैंडफॉल करबो बोली कोआ जाउछि एभले एक क्षेत्र में जो उपकूलवर्ती जिला ओडिशा रो रहिछि ताहा पई अधिक चिंताजनक विषय पालतिछि पूर्वर मध्य आपण देखिछंती ओडिशा रे जत्ते बे बातिया आसे सबोले कोस्टल एरिया छुइथाय एवं बात्या प्रबण जिला गुड़ी वर्तमान चिंताजनक विषय जेहेतु वर्तमान चित्र स्पष्ट हो पारिना जे ओडिशा रे केते मात्रा रे प्रभाव पड़ किंतु एक कथा स्पष्ट भाव जना पड़ी जे उपकूलवर्ती जिला मानक किसी ना कि प्रभाव पड़ जेहेतु लघुचाप वेस्ट बंगाल देखि जीवर छत्तीसगढ़ अभिमुखे जीव तो वर्तमान उपकूलवर्ती जो जिला रही विशेष भाव में आप भुवनेश्वर कथा कहतु बा खोर्धा कथा कहतु एपटे बालेश्वर कथा कहतु ये सबू जिला मानक निश्चित भाव में चिंताजनक विषय रही किंतु 26 तारीख में हेवी रेन आरंभ होड़शार अनेक जगार वर्षा हो विशेष भाव में उपकूलवर्ती जो जो जिला रही से जगार वर्षार संभावना अधिक रही उपकूल जिला सबको प्रभावित कलापर यह वेस्ट बंगाल आड़ अर्थात कोलकाता आड़ जीव तो विशेष भाव में ओडिशार जो उपकूलवर्ती जिला अच्छी ता प्रभावित होगा पश्चिम बंग आड़ एवं उपकूलवर्ती जिला मानक प्रभाव अधिक रही कह पूर्व कहला दीघार यह लैंडफॉल कर जो लघुचाप रही कि चिंता आरंभ हो तेरे 23 तारीख सुधा यह बात्यार रूप नहीं पारे एवं 22 तारीख में सृष्टि हेबो लघुचाप आंडामान सागर लघुचाप सृष्टि होउछि 23 तारीख सुधा यह बात्यार रूप ने 26 तारीख में यह उपकूल छुई पारे विशेष भाव में 26 तारीख में आम जब देखा उपकूलवर्ती जिला मानक जदि लघुचाप सृष्टि ओडिशार जो उपकूलवर्ती जिला अच्छी सेपटे भुवनेश्वर कथा कहतु एपटे आपतु बालेश्वर कथा तापर वेस्ट बंगाल आड़ को जीव किंतु उपकूलवर्ती जिला मानक वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब धीरे धीरे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब एवं बात्यार रूप जेहेतु नेब पवन बेग केते रहिब ओडिशा प्रति कौन विपद रही ओडिशा रे माड़ हेबा परे को जिला मानक अधिक क्षति पहुंचाइब ताकु नै वर्तमान अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होछि तेबे बात्या ओडिशा उपकूल छुईबार आशंका रही 23 तारीख सुधा बात्या रूप नहीं पारे पुणि थरे कहुछि केन्द्रीय बंगोपसागर रे दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप 22 तारीख में उत्तर आंडामान सागर में सृष्टि हो पारे लघुचाप 23 तारीख सुधा यह बात्यार रूप नेब अर्थात 23 तारीख पूर्व ही 22 तारीख रु ही क्लीयर कट चित्र मिलजिव जे 22 तारीख में उत्तर आंडामान सागर में सृष्टि होता लघुचाप कौ पथ दे कि जाऊँ गतिपथ कौन रही 23 तारीख सुधा यह बात्यार रूप नहीं पारे 26 तारीख यह उपकूल छुई पारे तो 26 तारीख दिन ओडिशापी विपद रही पारे जदि यह ओडिशा रे माड़ एवं जदि यह ओडिशा दे वेस्ट बंगाल आड़ को जाउछि तबे ओडिशा प्रति विपद कमी पारे किंतु वेस्ट बंगाल प्रति अधिक विपद रही पारे ये आपण चित्र देखि परछंती बात्यार आखि बोली जहाँ को कहा जाय थाए बा जहाँ को साइक्लोन आई बोली कहा जाय थाए से चित्र आपण देखुछंती किभले भाबरे दाना बांधुछि लघुचाप एवं विशेष भाबरे जदि देखिबा ओडिशार उपकूल जो जो जगह रही से जगार यार प्रभाव पड़ब एठार कोलकाता आपण देखि परछंती अर्थात बॉर्डर से पाखे रोचे वेस्ट बंगाल जदि वेस्ट बंगाल एवं ओडिशा प्रति विपद कम रोचे तेरे निश्चित भाव में ओडिशावासी आश्वस्तिकर खबर किंतु जदि उपकूल में माड़ हो तो बात्या को लेकिन ओडिशावासी मैंने निश्चित भाव में भयभीत हे केन्द्रीय बंगोपसगर में दाना बांधुची आउ एक लघुचाप जहाँ निश्चित भाव में चिंताजनक विषय 22 तारीख में उत्तर आंडामान सगर में सृष्टि हो पारे लघुचाप 23 तारीख सुधा यह बात्यार रूप नेब 26 तारीख यह उपकूल छुई पारे ये चित्र जो आप देखुं सेठारे लघुचाप दाना बांधुची जहार चित्र आपण स्पष्ट भाव में देखिपुंत साइक्लोन आय बा लघुचाप्र आखि बोली कहुए ये हूँ उपकूलवर्ती जिला
आपण एठारे देखि पारुचंती बालुगा रहिची एपटे आस्का रहिची पुरी रहिची पारादीप रहिची भद्रक रहिची बालेश्वर रहिची एवं तापरे रहिची वेस्ट बेंगल। तो जदि ओडिशा रे माड़ हेउची विशेष भाव में उपकूलवर्ती जो जिला गुड़िक रहिचंती उपकूलवर्ती जिला बहुत मात्रा रे प्रभावित हेबे एवं तापरे पुरी पारादीप भद्रक बालेश्वर को छुईला परे वेस्ट बेंगल जिबार जहाँ साइक्लोन रो गतिपथ रही धीरे धीरे गतिपथ परिवर्तन मध्ये होई पारे पानीपाग विभाग वर्तमान सुधा स्पष्ट चित्र देई नाही किंतु कहा जाउछि जे ओडिशा रे माड़ हेबो एवं उपकूलवर्ती जिला उपरे एहारो प्रभाव रहिबो। जदि उपकूलवर्ती जिला उपरे एहारो प्रभाव रहुछि माने 26 तारीख संध्या बेलकु वर्षा आरंभ होइजिबो जहाँ पानीपाग विभाग स्पष्ट करिछि। जदि वर्षा आरंभ हो तो बालेश्वर भद्रक पारादीप पुरी बालुगा ए सबु जगह अधिक वर्षा आरंभ हो 26 तारीख संध्या बेलू आपण पूरा रूट देखिबे एठारे लघुचाप सृष्टि होइछि एवं गतिपथ रहिछि उपकूलवर्ती जिला गुड़िक एवं बालेश्वर भद्रक पारादीप पुरी रहिछि बालुगा रहिछि एवं जदि आम मोटामोटी भाव में देखा जावा तो ये हूँ उपकूलवर्ती जिला एवं ए जगार अधिक प्रभाव पड़ पारे यहीपाई कारण उपकूल रे माड़ हेबो जो सृष्टि लघुचाप होइछि ताहा उपकूलवर्ती जिला मानू अधिक मात्रा रे प्रभावित करिबो एवं एही रूट रहिछि एही रूट देखी वेस्ट बेंगल जीव बा पश्चिमबंग जीव परवर्ती पर्यायर पश्चिमबंग रे प्रभाव पड़िबो किंतु जेतेबेले रूट रहिछि ओडिशा उपकूलवर्ती जिला तो निश्चित भाव में कहुच्छे लघुचाप सृष्ट लघुचाप ओडिशा रे माड़ हेबो एवं पुरी पारादीप भुवनेश्वर कथा कहतु बालेश्वर कथा कहतु वर्षा देखिपारे आपण वर्षा अनुभव करें बाबद अधिक आम आपको आलोचना करूँ पानीपाग विभाग जी विशेषज्ञ रही सहित आलोचना करूँ किंतु पूरा मैप आपको देखापी चाहिए जोभली भाव में एठार लघुचाप सृष्टि उपकूलवर्ती जिला मानक अधिक प्रभाव पकेब सेठार अधिक वर्षा होबरे वेस्ट बेंगल को जबार जहाँ गतिपथ रही किंतु 26 तारीख संध्या बेलू अनेक जगार ओडिशार विशेष भाव में उपकूलवर्ती जो जिला रही से सबू जगार वर्षा आरंभ हो 26 तारीख यह उपकूल छुई पारे कहुच्छे ये चित्र आप देखिपार कि भाव में लघुचाप सेठे सृष्टि होकूलवर्ती जो जिला गुड़िक रही आस्का कथा कहतु बालुगाँ कथा कहतु पुरी कथा कहतु भुवनेश्वर पारादीप भद्रक बालेश्वर ये सबु जगार अधिक प्रभाव पड़ो कह ए बाबद अधिक आलोचना करने गगन विश्वाल फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि गगन कहुच्छे बात्यार रूप नहीं पारे लघुचाप 26 तारीख में यह उपकूल छुई पारे ओडिशा प्रति कौन प्रभाव पाणीपाग विभाग कौन कह देखो निश्चित भाव बर्तमान बंगोपसगर में जो बर्तन दाना बांधे जाऊँगी गोटे लघुचाप या घूर्णिझड़ में परिणत होबर बात्या परिणत हो नाई बात्या हूँ कौन रूप नेब के परिमाण से आसूची कौन क्षति घटव एजाए ठोस निर्णय अवगणना करू जहाँ भू विज्ञान मंत्रालय जो सचिव रही राकेश माधवन से गत काली जो ट्विट करते परवर्त पर्याय देखाला आई एम डी बुलेटिन प्रति मुमेंट जारी करना गोटे पटे आरब सगर गोटे बात्या अंपटे पुणी जिते गोटे घूर्णिझड़ क्रिएट हो गोटे स्टर्म क्रिएट हो बर्तन अनुकूल वातावरण मिलूली मुझे रखा चाहे अनुकूल वातावरण यही मिलू बंगोपसगर में कहीं बर्तन मौसुमी बाई सक्रिय होगा सूचना रोचे जून 1 तारीख कि मे शेष 31 तारीख दिन केरल मौसुमी बायु छुई पारे जदि मौसुमी बायु केरल सठिक समय छुँची तेनाली बात्या निश्चित भाव गोटे अनुकूल पाग मिल समुद्र भितर प्रभावित आशंका वर्तमान रही देखो निश्चित भाव 21 तारीख सुधा दक्षिण आंडामान सगर और यार संलग्न जो दक्षिण पूर्व बंगोपसगर रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु जदि सक्रिय हो जाए तो निश्चित भाव ये हिट कर जथेष संभावना रही पारादीप और दीघा मझे जहाँ आई एम डी आकलन करती जदि ये ठीक रूप से जाऊँगी कहीं जिते बड़े गोटे स्टर्म क्रिएट हुए जिते सीवियर साइक्लोन तार को सी मुहे से ही तार बेग दिग्ग निश्चित भाव में गतिपथ उपर नजर रणिपाग विभाग कौन कौन से आलोचना बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना गगन विश्वाल आम प्रतिनिधि आमको अधिक सूचना दौले
बात्या स्थिति नहीं समीक्षा करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रे पहुंचिछंती। आपण जानिछंती ताउक ते जेभळी भाबरे प्रभाव पकाइछि महाराष्ट्र कथा कोंतु गुजरात कथा कोंतु अनेक धनजीवन नष्ट होइछि अनेक क्षति होइछि। जो वीडियो वायरल होइथिला सेथिरे मध्ये आपण स्पष्ट भाबरे जानि पारुथिले जे केते भयानक रहिथिला ताउक ते। वर्तमान बात्या स्थिति समीक्षा करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचि जाइछंती एवं गतकाली मध्ये सूचना मिलिथिला जे आज मोदी गस्त रही गुजरात को ए आधार रे जहां कार्यसूची रही बात्या स्थिति समीक्षा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पहुंची सारी आकाश मार्ग साइक्लोन ताउक्तेर परवर्ती स्थिति कौन रही समीक्षा कर सीधा सड़क चित्र देखिपार कौन क्षय क्षति रही आकलन करने सहित गुजरात अहमदाबाद में गुरुत्वपूर्ण बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइक्लोन ताउक्ते गुजरात एवं महाराष्ट्र रे तांडव रचिछि जहार विजुअल आमे लगातार भाव में देखि चलिछु केते भयंकर थिला से दृश्य। धनजीवन नष्ट होइछि प्राथमिक पर्यायर जना पड़ा महाराष्ट्र रे 27 जनकर जीवन जाइछि एवं गुजरात रे मध्य मृत्यु संख्या बढ़ी चलिछि। एबे भी उद्धार कार्य जारी रहिछि एवं उद्धार कार्य जारी रखिबा पई एनडीआरएफ रो 100 टी टीम नियोजित होइथिले। ता सहित भयंकर वीडियो वायरल होइथिला जे ताउक्ते किभळी भाबरे तांडव रचिछि। सामुद्रिक झड़र प्रभाव देशर पश्चिम भाग में अवस्थित विभिन्न राज्य में अनुभूत होइछि किंतु विशेष भाव में गुजरात रे एहा अधिक अनुभूत होइछि। महाराष्ट्र रे मध्य व्यापक परिमाण रे क्षय क्षति होइछि। ए बात्यारे धनजीवन ठू आरंभ करी हजार हजार एकर जमी व्यापक गच्छ समेत अन्यान फसल सबकिछि बर्बाद होइछि। ए बाबद अधिक आलोचना करबा गगन विश्वाल आम दिल्ली प्रतिनिधि फोन लाइन में जोड़ी होती। गगन प्रधानमंत्री गस्त क्षय क्षतिर आकलन कहतु बा केते मात्रा रे यह क्षति पहुंचाई गुजरात को ताहा निश्चित भाव में लोक को आश्वस्त कर प्रधानमंत्री आज समीक्षा पाई गुजरात में पहुंची। देखो निश्चित भाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एरियल सर्वे कर दामन डीव क्या कहतु गुजरात क्या कहतु बा महाराष्ट्र कथा कहतु सबु जगह जो रही कौन क्षय क्षति होता जाफरबाद महुआ दू उन्ना ये सब जगार सीधा सड़क एरियल सर्वे कर हाथ में एरिया जलमग्न रही फसल नष्ट कौन ग्राउंड रिथित रही ये सबु डाटा को नेला हे तो प्रधानमंत्री किसी पैकेज घोषणा कर पारती कहीं अहमदाबाद से समय पर समीक्षा बैठक रही बैठक में निश्चित भाव जो मुख्यमंत्री रही से उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ अधिकारी मैंने उपस्थित रहेंगे केन्द्र सरकार को जो अधिकारी रही से उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री पूरा घटना जांच की पूर्व जिते हिट करता पूर्व से मुख्यमंत्री सहित आलोचना करते संपूर्ण कोस्टल बेल्ट कर्नाटक ठार आरंभ कर महाराष्ट्र गोवा पर्यंत सबुठी आलोचना करते जिते हिट पूर्व केरल जिते बर्षा होता केरल स्थिति नहीं गृहमंत्री बैठक करते हैं सब बर्तमान गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ कोविड केयर सेंटर अच्छी ना कहीं गुजरात सरकार तत्परता प्रकाश करते कहीं आज देखिए महाराष्ट्र खबर आसला वैक्सीनेशन हो पारुनी अनेक जगार ऑक्सीजन सप्लाई हो पारुनी चलूनी कहीं इलेक्ट्रिक सिटी डायरेक्ट घटी तेनाली पूर्व सूचना रहा तत्परता प्रकाश कर महाराष्ट्र सरकार गुजरात से स्थित आसनी कहीं गुजरात सरकार 48 घंटा 72 घंटा पर्यंत बैकअप रखी इलेक्ट्रिसिटी कहीं जिते बात्या आसूसी तार रूप कौन रोक हिट कला ग्राउंड स्थिति कौन रहा क्या भी जाना ना तेनाली हिट कला अनेक जगह इलेक्ट्रिफिकेशन बाधाप्राप्त होती तेना त्वरित प्रक्रिय बर्तमान जो एनडीआरएफ टीम क्या कहते एनडीआरएफ टीम क्या कहते हैं त्वरित जगह काम करते पूर्व प्रस्तुति समस्त प्रकार करा जाइथिले मध्य यहा धन जीवन को अनेक मात्रा रे क्षति पहुंचाइला। देखो निश्चित भाव वर्तमान पर्यंत 30-40 जन आहुरी निखोज अछंती जी कहे जो आरब सगर में कहीं जो हिट कला अनेक लोक भितर थे पाखे हुए तो इनफर्मेसन पहुंची चिल्लानी बोधे कहीं बर्तन नेवी पक्ष ऑपरेशन जारी रही 184 जन रु अधिक लोक उद्धार करते आहरी केते लोक फसुचार केते लोक डेथ होती तार रिपोर्ट बर्तमान पर्यटन सठिक रिपोर्ट आसी ना परवर्त पर्याय से प्रस्तुत हो पाए तेना जो मैंने मृत्युवरण कर पैकेज घोषणा होती कि नहीं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ जो डैमेज होती वर्तमान से डैमेज र आकलन कला प्रधानमंत्री केते पैकेज दौरान निश्चित भाव नजर रही क्षय क्षतिर आकलन करा जिबा परे
प्रधानमंत्री कौन घोषणा करिसेंति केते मात्रा रे क्षति पहुंचाई धनजीवन नष्ट सहित अनेक घर भांगी जाइछि चाष जमी नष्ट हो जाइछि से चित्र मध्य सामना को आसिला तमे नजर पकाउथिलो बात्या स्थिति समीक्षा करिसेंति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एथिपई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात रे पहुंचि सारिसेंति आकाश मार्गरु साइक्लोन ताउक्ते परवर्ती स्थिति कौन रही समीक्षा करुछंती क्षयक्षति आकलन करा सहित गुजरात अहमदाबाद आज गुरुत्वपूर्ण बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेपटे साइक्लोन ताउक्ते गुजरात और महाराष्ट्र में तांडव रचि जहाँ भयंकर वीडियो वायरल होउक्ते सामुद्रिक झड़र प्रभाव देशर पश्चिम भाग में अवस्थित विभिन्न राज्य में अनुभूत हो जहाँ प्रभाव में गुजरात और महाराष्ट्र में व्यापक परिमाण में क्षयक्षति हो ए बात्यारे धनजीवन ठारु आरंभ करी हजार हजार एकर जमी व्यापक गच्छ समेत अन्यान्य फसल मध्य बर्बाद हो जाइछि अनेक घर भांगी पड़ी वर्तमान अनेक जगह विद्युत सरबराह मध्य विच्छिन्न हो प्रधानमंत्री आकाश मार्गरु समीक्षा करुछन्ति किंतु दर्शक बंधु आपण जानती ताउक्तेर प्रभाव केते मात्रा रे भयंकर थिला लगातार भाव से विजुअल मध्य आमे आपनकु देखैछु एवं ता सहित सोशल मीडिया रे मध्य किछिटा वीडियो वायरल होतला ताउक्तेर प्रभाव महाराष्ट्र रे व्यापक परिमाण रे देखिया को मिलतला ता सहित गुजरात रे मध्य समान स्थिति एवं मृत्यु संख्या आहुरी अधिक बढ़ी पारे बोली कहा जाउछि अपेक्षा रहिछि फाइनल ऑफिशियल डिक्लेरेशन आसुछि कोन जे केते को राज्य रे मृत्यु संख्या रहिछि किंतु गत काली मिलता तथ्य आधार में महाराष्ट्र में 37 रही मृत्यु संख्या एवं ता आग को मध्य बढ़ी पारे अपरपक्ष गुजरात में रही 60 जहाँ आग को आहुरी अधिक बढ़ी पारे एबे भी अनेक जगह उद्धार कार्य जारी रही पूर्व प्रस्तुति एकदम करा कारण पूर्व जनाथिला एभली भाव में साइक्लोन माड़ आसुची बोली ताउक्ते माड़ आसुची बोली तथापि भी अनेक क्षयति कारण प्राकृतिक दुर्विपाक आपण जानते जोभली भाव में भयंकर वर्तमान परिस्थिति में मनुष्य कोरोना सहित जुझुची ता सहित आउ एक विपद माड़ आसी गुजरात और महाराष्ट्र पर जार प्रभाव में आरंभ हो जाता प्रबल वर्षा ताप पवन रेग घंटा प्रति 165 किलोमीटर बेगर बहिता अनेक जगार घर मटी में मिशि एवं विशेष भाव में फसल अधिक क्षयति होषी मैंने ना नस्यार सम्मुखीन होती वर्ष तमाम झाड़बुहा परिश्रम पाने पड़ी ता सहित जीवन मध्य हानि होइछि जहाँ निश्चित भाव एक दुखद खबर एक दयनीय खबर वर्तमान प्रधानमंत्री तार समीक्षा करुछन्ति बात्या परवर्ती स्थिति कौन रही से समीक्षा आधार रे क्षयक्षतिर आकलन करा अपेक्षा रहिबो रिलीफ पांठिरु कौन घोषणा करा जाउछि आकाश मार्गरु साइक्लोन ताउक्ते परवर्ती स्थिति समीक्षा करुछन्ति प्रधानमंत्री जहार चित्र आपण देखि पारुछन्ति बात्यार परवर्ती स्थिति कौन रही क्यों क्यों जगार अस्वाभाविक स्थिति रही से सब बाबद्रे टिकिनिक भाव में खबर संग्रह मध्य करा जाउछि बात्या परवर्ती स्थितर समीक्षा करुछन्ति प्रधानमंत्री तबे अनेक क्षयति होइछि बात्यारे धनजीवन ठू आरंभ कर हजार हजार एकर जमी व्यापक गच्छ समेत घर भुशुड़ी पड़ी एवं महाराष्ट्र में मध्य व्यापक परिमाणर क्षयति होइछि गुजरात गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइक्लोन ताउक्ते गुजरात एवं महाराष्ट्र में तांडव रचिता देखा मिली जार भयंकर वीडियो मध्य सोशल मीडिया रे वायरल होता कि भाव में ताउक्ते तांडव रचिता से झड़र प्रभाव कौन रही वर्तमान ताकू आकलन करयक्षतिर परिमाण के आकलन करेर पश्चिम भाग में अवस्थित विभिन्न राज्य में ताउक्तेर भयंकर प्रभाव अनुभूत हो जोदिन ताउक्ते तांडव रचिता से दिन आम महाराष्ट्र बासिंदा सहित गुजरात बासिंदा सहित जो मैंने प्रवासी ओडिया अच्छा से सहित लगातार भाव में आलोचना करूँ एक कहार ताउक्ते भयंकर भाव में माड़ आसू अनुभूत है झड़ पवन हुए तो यह अधिक क्षति पहुँचाई पारे किंतु वास्तविक भाव में देखा मिली से कथा सत हो अनेक जगार जी आकलन करनेक जगार ताठू अधिक क्षति पहुंची किंतु समस्त प्रकार पूर्व प्रस्तुति थिला जेहेतु प्राकृतिक दुर्विपाक ताउक्ते भयंकर रूप पर क्यों क्यों जगार केते क्षयति होार समीक्षा करुछन्ति आकाश मार्गरु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाबद अधिक सूचना गगन विश्वाल पुणि थे जोड़ी होती मो सहित गगन कौन सूचना रोच देखो निश्चित भाव गत का प्रधानमंत्री आज गस्त करेंगे जो ओना रही ड्यू रही जाफरबाद रही महुआ रही सर्वप्रथम प्रधानमंत्री सका 9:30 गस्त करते गुजरात गस्तर कह चाहे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन क्षेत्र कथा कहतु राजनीतिक करियर कथा कहतु गोटे गुजरात प्रति संवेदनशीलता रही कहीं से निजर राजनीतिक करियर आरंभ करते से मुख्यमंत्री थे तेणु गुजरात में बात्या हाँ निज राज्य बात्या तेणु से निज राज्य को बर्तमान जाइंट एरियल सर्वे करने तेणु गुजरात प्रति प्रथम ही कहीं जे जो राज्य बिलंगस करता है आम केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कथा नहीं पार केन्द्र से मंत्री अच्छा किसा प्रति जो भावना रही है भाव में गुजरात प्रति गोटे अलग भावना रही सारा देश प्रति गोटे अलग भावना रही प्रधानमंत्री तेणु प्रधानमंत्री निज राज्य को जाइल सर्वे कर समीक्षा पर निश्चित भाव जहां मोर विश्वास रही कि घोषणा कर पारती प्रधानमंत्री कि आश्योरेन्स दे पारती कहीं जो भाई भाव में बर्तमान क्षय क्षति रही गोटे पटे सारा देश बर्तमान कोरोना लड़े लड़ुची गुजरात में एक लक्ष रु अधिक एक्टिव केसेस बर्तमान रही प्रतिदिन जे देखिए कोरोना रोगी संक्रमण वृद्धि होवार लगुच अनेक गुड़े कटकणा जारी रही तेणु जो प्राथमिक चैलेंजेस रही प्रथम कथा हूँ जो कोविड हॉस्पिटल गुड़िक रही किभली युद्धकालीन भितर इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी उपरू ग्राउंड रिति देखला प्रधानमंत्री अनेक गुड़े कथा जाना निश्चित भाव चेस्टा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जो समीक्षा बैठक अहमदाबाद में रही अहमदाबाद में जिते समीक्षा बैठक हे से बैठक में निश्चित भाव राज्य सरकार अधिकारी केन्द्र सरकार अधिकारी रे उभये एक आलोचना हम प्रधानमंत्री सविशेष तथ्य ने देखिए प्रधानमंत्री हाथ में गोटे मैप रही जो हेलिकप्टर से एरियल सर्वे कर मैप्रे से देखुं जो कौ कौ जगार जिलार कौ कौ जिलार कौ कौ जगार अधिक क्षतिग्रस्त होती किभली स्पीड थिला पवन रो स्पीड थिला जहां आईएमडी तथ्य रही जिते हिट कला शहे सतुर अधिक स्पीड थिला परवर्त पर्यायर शहे पचास शहे चालीस शहे पवन को आसला बर्तमान आज दिन सारा राजस्थान कहतु उत्तर प्रदेश कहतु दिल्ली में कहतु अनेक जगार बर्तमान वर्षा जारी रही जिते निज राज्य से सर्वे करुंच जोटि से जन्मग्रहण करते जो पॉलिटिकल करियर आरंभ करते जगह को सी फेरते निश्चित भाव निज राज्य प्रति अधिक संवेदनशील से अच्छा तेणु एरियल सर्वे पर चित्र स्पष्ट हो समीक्षा बैठक पर कौन पैकेज घोषणा कर राज्य सरकार के टा डिमांड करश्चित भाव जिते कौन बात्या हिट करे सबु राज्य चाहती जो अधिक रु अधिक केंद्रीय सहायता मिलू अधिक रु अधिक केंद्र सहायता मिले से युद्धकालीन भितर निजर कार्य करवा सहित अनेक गुड़े प्लानिंग थाए कहीं जिते जनक घर भांगी जाए जहां घर भांगी ताक जना से बेलर दुख कौन कष्ट कौन कहीं जो दुई लक्ष रु अधिक लोक इभाकुएट कर जो समुद्रकूल अंचल दुई लक्ष रु अधिक लोक से उठे नहीं उच्च जगह को तेणु से सब अंचल को जितने फेरबे से लोक मैंने जितने फेरबे से घर कंडीशन कौन रही देखा जाए अनेक समय भारत बर्षर अनेक जो कोस्टल बेल्ट रही झुपुड़ी पटी में धीवर मैंने रुहती से घर अन्य जगह झुपुड़ी पटी रुंती डंगा व्यवसाय जो मैंने माछ धरती धीवर मैंने से रुंच तेणु अनेक क्षयति होती वर्तमान सुधा राज्य सरकार पक्ष क्षयतिर आकलन होना केते मात्र क्षयति केते घर भांगी केते इलेक्ट्रिसिटी नष्ट कहीं बर्तमान राज्य सरकार पाखे क्षयतिर आकलन पाई समय ना से युद्धकालीन भितर कि भाव जो वातावरण सृष्टि करेंगे जातायात कहीं डॉक्टर माने पारामेडिकल स्टाफ माने पुलिस मानक व्यवस्था करवि भाव जातायात को प्राधान्य बेसीस एनडीआरएफ टीम एसडीआरएफ टीम जो केन्द्र टीम गुड़िक नियोजित होतीशार टीम जाते गोटे लंबा समय धरी एक्सपीरियंस अच्छी ओडिशा अनेक गुड़े साइक्लोन को सेने सामना करेणु सी जो ऑफिसर माने से जो एनडीआरएफ टीम रो अधिकारी मान जाते से पाखे लंबा एक्सपीरियंस अच्छी पूर्वतर जिते अभियान आसला से कोरोना समय वेस्ट बेंगल जाते सेनेक सहायता से जगे तेणु एनडीआरएफ टीम जेहतु ओडिशार जाते निश्चित भाव ओडिशार जो टीम जाते सक्रिय भाव से कार्य करते कथा एड करने चाहे जो जो अफिसर से नियोजित होती युद्धकालीन काम करने प्रायत मैक्सिमम सेकेंड टीका नहीं सारी कहीं संक्रमण अनेक संभावना रही कहीं जिते से कम कर समय मास्क पिंधिकी कम करवा गोटे से चैलेंज होता है कहीं साधारणत काम कला बेले हार्टबीट बढ़ जाए तेणु से समय मास्क पिंधा से असंभव हो पड़े तेणु से समस्ते मैक्सिमम सेकेंड डोज नहीं तेणु ये भितर प्रायोरीटी बेसीस तो कम चली अंपटे एरियल सर्वे हो प्रधानमंत्री सहित जो आलोचना होते टकर डिमांड रखुच्चे टा केन्द्र सरकार जुगे दे परवर्त पर्यायर कौन आश्योरेन्स दौरान कहीं निश्चित भाव राज्य सरकार अधिक रु अधिक टा डिमांड करने सहित आउ किसी टीम मागि पारती युद्धकालीन भितर कि भाव सबकि ठीक कहीं इलेक्ट्रिक व्याघात होनेक जगार खास कर 14 जिला ये बात्या टक्कर अफेक्टेड होती
सबुठ अधिक जी आम कह जो जगार हिट करपीड़ित अंचल पुणे स्वाभाविक अवस्था को आसवा एक बड़ चैलेंज कारण ओडिशा लगातार भाव में बात्यार सम्मुखीन हो दुख ओडिशावासी जानते कि भाव में अनेक जगार घर भांगी पड़ कि भाव में गच उपड़ी रास्तार पड़ थतार चलाचल को स्वाभाविक करने अपरपक्ष विद्युत सरबराह निरवच्छिन्न भाव में लोकों पाखे पहुंचाइवा पुणी थे स्वाभाविक अवस्था को फेर बर्तमान अलरेडी मनीष समाज एक बड़ विपद देक गति करोना महामारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चली अंचल जदि आप देखिए क्षति पहुंची थी तो से अंचल स्वाभाविक अवस्था आने पुणी थे लोकों को सेठे सामिल करवा सबकि बहुत बड़ चैलेंज कह देखो निश्चित भाव जो कहुए बेड़ी पर कोरोना माड़ भाई बर्तमान सिचुएशन सृष्टि कहीं गोटे विपत्ति को आम उधरी नौ अन्य गोटे विपत्ति आसा को बर्तमान गोटे साइक्लोन फॉर्मेशन बेंगल जी ओडा को हिट करा बेंगल को हिट करश्चित भाव आम राज्य पर विपद आगामी दिन में आसूची तेणु बर्तमान जेहे हिट करेणु केय क्षति होती जेहेतु अधिक लोक जीवन जाना हिट समय जो मैंने समुद्र थे हूं तो किसी लोक निखोज रही हूं तो पाखु किसी मृत्युवरण करते महाराष्ट्र देखिए हिट करने पूर्व छह जन जीवन जाता कि गुजरात हिट कला कितु हिट करने समय कौन जनजीवन धन तो अनेक नष्ट संपत्ति नष्ट कितु जीवन जाना कहीं राज्य सरकार प्लानिंग मोड में 2 लाख रु अधिक लोक को इवाक्युएट करते सूरत ठार आरंभ करनेक जगार क्षयति होती सूरत गोटे ओडिया मान पेठस्थल रही आम चैनल मध्यम किसी ओडिया लोक को सामिल करूँ लाइव से देखते जो दिन हिट कला से दिन परवर्त दिन कौन चित्र था केगर पवन होता लोक मैंने निश्चित भाव भयभीत थे कहीं बंगोपसगर में अधिक घूर्णिझड़ हुए बंगोपसगर में अधिक बड़ बड़ बात्या देखी कि अरब सगर में बहुत कम बात्या हुए देखिए विगत 20 वर्ष मध्य बड़ धरणर बात्या गुजरात को हिट कर ना तेणु लंबा समय धरी ओडिशा को 99 महावात्या परे अनेक गुड़िए बात्या पूर्वतर महावात्या अनेक समय ओडिशार गोटे लंबा एक्सपीरियंस रही बंगोपसगर अनेक समय घूर्णिझड़ लघुचाप सृष्टि हुए कि अरब सगर में बहुत कम क्वचित सृष्टि हुए तेणु जेहेतु हिट कला तेणु से क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता जोगई देते पूर्व एनडीआर टीम से नियोजित होते तेणु बर्तमान जेहेतु एरियल सर्वे पर समीक्षा करीक्षार क्यों क्यों दिग को से इंपोर्टेंस देखते गुजरात सरकार कौन डिमांड करते डिमांड को आखि आगे रखिकी कौन आश्योरेंस दौंस प्रधानमंत्री परवर्त पर्यायर कौन स्टेप ने कहीं सबुठ पूर्व जिते आसी अंफान जिते आसला गोटे कथ कही से कथ को दूर कोस्टल बेल्ट में सारा भारत वर्ष इलेक्ट्रिफिकेशन माटी तले हवा उचित कहीं अनेक समय अनेक जगार जेहेतु साइक्लोन हिट कर सबुठ गुरुत्वपूर्ण हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिफिकेशन बारंबार डैमेज हो तेणु ओडिशा हो वेस्ट बंगाल हो तेणु गुजरात हो कि महाराष्ट्र हो सबू जिते भारत बर्षर कोस्टल बेल्ट रही तेणु प्लानिंग मोड में सबू इलेक्ट्रिफिकेशन गुड़िक माटी तले हवा उचित कहीं जिते भी साइक्लोन इलेक्ट्रिफिकेशन सबुठ बड़ चैलेंज हो सृष्टि होती राज्य सरकार पाखे कहीं अनेक गुड़े खुंटी भांगी जा तार छिड़ी जाऊँ तेणु विद्युत सरबराह जोटी न रोची तेणु से कौन कार्य संभव नुहे जो एनडीआरएफ टीम जाकर जो मेसीन गुड़िक रोचे चलने इलेक्ट्रिफिकेशन आवश्यकता पड़ी तेणु अनेक गुड़े जिनस करार आवश्यकता रही आगामी दिन में हूं से जत्नवान नहीं पारती केन्द्र सरकार हूँ बा राज्य सरकार हूँ तेणु जिते बड़े बात्याटी आसी तेणु बात्या परवर्त मुकबिला किभर भाव कहीं लोक मैंने बर्तमान अनेक जगार विच्छिन्न होते पाखे कि खाद्य पहुंचव इलेक्ट्रिफिकेशन किभली भाव में बर्तमान जेहतु बात्या लोक मैंने गोटे जगार अने जगह को जीवाई अनेक गुड़ी असुविधार सम्मुखीन हे रास्ता गुड़ी अनेक जगार ब्लकेज हो सजा जा प्रधानमंत्री जिते आसुँचु समस्त मनोबल निश्चित भाव वृद्धि हे राज्य सरकार अधिकारी कथ कहतु जो केन्द्रीय टीम गुड़िकार नियोजित होती निश्चित भाव प्रधानमंत्री गला गोटे पॉजिटिव मेसेज समस्त पाक जीव कि प्रधानमंत्री कौन आश्योरेंस दौर ता बैठक पर ही चित्र स्पष्ट हे निश्चित भाव में बैठक उपर नजर रही बैठक पर ही चित्र स्पष्ट हो कौन आश्योरेन्स मिलू लोक कि मात्र एक आश्वस्त कर प्रधानमंत्री समीक्षा कर क्षय क्षतिर आकलन करो कथ गगन कहते जी जो राज्य बिलंग करें स्पेशल इमोशन विकनेस से राज्यपाई रही था और गुजरात सहित प्रधानमंत्री आम जदि संपर्क कथ कह तो निश्चित भाव में से राज्य से मुख्यमंत्री थे वर्तमान परिस्थिति से सबकि आकलन करना कौटे ये लोक मानको अनेक मात्रा रे आश्वस्त करुछि
गगन बात्या परवर्ती स्थिति समीक्षा करिसेंति प्रधानमंत्री, बैठक क्यों समय रे हेबार अछि से बाबद रे किछि सूचना रहुछि? देखंतु जेहेतु प्रधानमंत्री को सेठारे पहुंचिबा एवं रियल सर्वे करबा टिके विलंब होइछि, जहाँ पूर्वर सूचना थिला प्रधानमंत्री अढ़ेटा रु तीनटा समय मध्य हे तो समीक्षा बैठक करते कि आशा कराऊ हे तो बैठक टी विलंब हो पाए चारिटे हे तो समीक्षा बैठक हे जहाँ सूचना अच्छी कि सठिक इनफर्मेसन से ही मिल जो प्रधानमंत्री एरियल सर्वे करके तौक आसवे अहमदाबाद पहुंचे और बैठक हाप पूर्व स्थिरकृत होता कहीं प्रधानमंत्री 9:30 दिल्ली रू बाहर थे परवर्त पर्यायर देखाला हे तो किसी बांतिक कारण हो किसी विलंब हो प्रधानमंत्री शेड्यूल कि बर्तमान जहां सूचना रोचे हे तो 4 ये समीक्षा बैठक रेब जो थे राज्य सरकार अधिकार रे मुख्यमंत्री निजे उपस्थित रे प्रधानमंत्री रे केन्द्रीय जो अफिसर मैंने प्रधानमंत्री सहित से उपस्थित रे कौन हिट कला बेले कौन स्थित रही है बर्तमान राज्य सरकार जो प्राइमरी इनक्वारी कर प्राथमिक आकलन कौन रही तथ्य उपाय नजर रही बैठक नजर रही परवर्त समय फेरबू आप गगन बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष आलोचना। राज्य में कोरोना स्थिति नहीं चिंता प्रकट कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एक वीडियो बार्ता रे केन्द्रमंत्री महामारी समय प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने ट्रेसिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट को गुरुत्व देउथबा कहिबा सहित दल मत निर्विशेष रे ओडिसा रो समस्त भाई भोणी एवं गुरुजन मानको टेस्टिंग अभियान रे सामिल होई एहा को एक जन आंदोलन रे परिणत करबा पई आह्वान देछंती बा अनुरोध करछंती। कोरोना रो द्वितीय लहर विचित्र रूप धारण करिछि जहां अनेक भयावह रहिछि एबे राज्य तथा देश पई चिंतार कारण पलटिछि। तबे ओडिसा रे एबे कोरोना कराल रूप धारण करिछि जार भयावहता आम समस्त अनुभव करिपारुछु। सरकार को सहित कोरोना योद्धा माने परिस्थिति को नियंत्रण आणिबाकु लागिछन्ति। डेलीवरी बॉय ठारु आरंभ करी अंगनवाड़ी कर्मी समस्ते यहार मुकाबला करिछन्ति। तबे ट्रेसिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट यहार मुकाबला पई प्रमुख रणनीति कोरोना आक्रांत को संभालिबा पीड़ित को खोजिबा परीक्षा करिबा ट्रीटमेंट जोगाइबा को गुरुत्व दिया उचित बोली केंद्र मंत्री कहिछन्ति। राज्य रे लक्ष्य रे 120 जनकर परीक्षा करा जाउछि। टेस्टिंग बढ़ाइबार एबे आवश्यकता अछि। कोरोना को हराइबार रास्ता हेउछि टेस्टिंग को वृद्धि करिबा। पश्चिम ओडिसा रे पॉजिटिविटी हार एबे भी उद्वेगजनक तबे सबु दिगरे राज्य सरकार गुरुत्व देबा आवश्यक बोली केंद्र मंत्री कहिछन्ति। मु मो गाँ अंचल लोकों संगे आलोचना कला बेले गोटे कथा मोर अनुभव होउछि भय आउ भ्रांति समाज भितर आज देखा देछि। व्यवस्था थिला परे भी नागरिक माने लोक माने टेस्टिंग करिबा पई पछघुंचा होचंती। ये गोटे चिंताजनक विषय याकु संभालिबा पई पड़िबो। आदिवासी अंचल रे टेस्टिंग प्रति अधिका कुंठा अछि स्वाभाविक। आम राज्यर ग्रामांचल अधिका ग्रामांचल रे पचारिकी बुझिबा एने ट्रेसिंग करिबा तांकु टेस्टिंग सेंटर पर्यंत आनिमा टेस्टिंग करेबा और पॉजिटिव हेथिले तांकु सरकार जो भलिया प्रोटोकॉल तयारी करछिन से प्रोटोकॉल रे पहुंचेबा ये दायित्व आम समस्त नवा पाई पड़ी। केन्द्रीय बंगोपसगर दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप 22 तारीख में उत्तर आंडामान सगर सृष्ट हो पारे लघुचाप 23 तारीख सुधार नहीं पारे बात्यार रूप जहाँ को लेकिन आशंका करा जाउछि। ओडिसा उपर यहार प्रभाव पड़ी पारे विशेष भाव में उपकूलवर्ती जिला मानक विपद रही बोली कहा जाउछि। ए बाबद्रे अधिक आलोचना करबा मो सहित जोड़ी होइछंती पाणीपाग विशेषज्ञ श्रीजुक्त सुरेन्द्र पशुपालक। श्रीजुक्त पशुपालक स्वागत करुछी आपनको अर्गस न्यूज को। कौन लागुची जो लघुचाप दाना बांधुची तार प्रभाव ओडिशा उपरे केते मात्रा रे रहइबो? देखंतु लघुचाप परे आसे बात्या हबो बात्या परे से महिबो उपकूल महिबो एक नंबर बांग्लादेश तापरे से बंगला तापरे ओडिशा तेनु ओडिशा उपरे केते प्रभाव पड़ो यह निर्भर करते घनीभूत हे के रूप नेब और किए पहुँच तेणु जहाँ जहाँ पड़े कि यदि बांग्लादेश पहुँचे ओडिशा प्रभाव कम हम किसी वर्षा हम हम तो उत्तर उपकूल किसी स्थान में मध्यम वर्षा जदि आम पश्चिम बंग में हूँ
ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ବା ଦୀଘା ସାଇଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ନେବା ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା କମିବ, ହୁଏତ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବା ତାଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ପବନ କେତେ ହେବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହା ବାତ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି, ବାତ୍ୟା ଘନୀଭୂତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସମୟ ରହୁଛି, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇପାରେ, ତାର ତା ତଳକୁ କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ହୁଏତ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, 120 କିଲୋମିଟର ବା 130 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ରହିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ତାହାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ବଢି ଯିବ, ଆସନ୍ତା 23 ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 25, 26, 27 କଣ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ବାଂଲାଦେଶ ବା ଆମ ସୁନ୍ଦରବନ ଏରିଆ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କଣ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଆମେ ଏ କଥା ଆକଳନ କରିପାରିବା କି ଯେ ଯଦି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ମାନେ 26 ତାରିଖ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ କି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼େ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ହବ। ଉପକୂଳର ଆମେ କହିବା କି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେଇକିରି ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, କାହିଁକି ସେଟା କହିବା ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କହିବା, କେନ୍ଦୁଝର କହିବା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେବ। ସେଠି ବର୍ଷା କେତେ ହେବ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ଆମେ 110 କହିବା ବା 115 କହିବା ଉପକୂଳ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ ଆଣ୍ଡ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ରେ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଇବ, ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଯଦି ଉପକୂଳରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବ, କେତେ ବର୍ଷା ହେବ ଇଜ୍ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, ହୁଏତ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ବାଂଲାଦେଶ ପହଞ୍ଚିବା, ସୁନ୍ଦରବନ ପହଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଯାଉନି, ଯେମିତି ଆମ୍ଫାନ୍ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଦୂରରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲା, 110 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇଥିଲା ମାଳଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସେମିତି ଯାଉନି, ଏଟା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି, ଗତି କରିବ ଗତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ରୂପ ନେବ ହିଁ ନେବ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ କେତେ ଅଧିକ ହେବ ଆମେ କହିବା 22 ତାରିଖ କହିବା ଯେ କେତେ କେଉଁ ରୂପ ନେବ ନେଇପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଉପକୂଳ କେଉଁ ଉପକୂଳ ସିଏ ସଭାରେ ଛୁଇଁବ, 22 ତାରିଖ କହିବ, 23 ତାରିଖରେ ଅଧିକ କହିବ, କାହିଁକିନା 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମଡ଼େଲ ଆକଳନ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମଡ଼େଲ ଆମର ଟିକେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରିବା ସମର୍ଥ ରହୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରତି କଣ କଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଶୁପାଳକ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ କୁହନ୍ତୁ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିତ୍ର ମିଳିପାରୁଛି କି? ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଯୋଉଠାରେ ସେ ଉପକୂଳ ଶୁଣିବ, କମ୍ ସେ କମ୍ ତାର 150 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତା ରେଡିୟସ 50 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେଭି ରେନ୍, ମାନେ 250 ମିଟର ଘଣ୍ଟା ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ପବନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ତାହେଲେ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗର ପବନ ରହିବ, ଛୁଇଁବ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଧିକ ରହିବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ବିପଦ ରହିଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଶୁପାଳକ, ରହିଥିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କମାଲକଲା ନୌସେନା ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିରହିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ବାତ୍ୟା ତାଉକ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତର ଜାହାଜ ବାର୍ଜ P305 ଫସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଥିବା 273 ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ ଅପରେସନରେ 184 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଏବେ ବି 77 ଜଣ ନିଖୋଜ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଅପରେସନରେ INS କୋଚି,
आईएनएस कोलकाता समेत अनेक जहाज सामिल। मुंबई ठारु 175 किलोमीटर दूर हीरा फिल्स रे बार्ज P305 फसी रही। बात्या ताउक्ते मुंबई स्थलभाग छुई गुजरात अभिमुखे जीवा समय रही जहाज गुड़िक फसी जाइला सूचना रही। सर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत तूफान था, ऊंचे ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंची ऊंची लहरी। नेवी ने किस तरीके से बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने हमारी जान बचाई बहुत जोखिम में, अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। चोट हम बोट में अभी जैसे चढ़ने के टाइम रेस्क्यू टाइम पे अभी चढ़ने जैसे चढ़ रहे थे उठा रहे थे फिर गिर जा रहे, ऐसे ऐसे में चोट लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। ये ऑपरेशन जो थी हमने जब स्टार्ट करा था, स्टार्ट की थी 17 के शाम को और हमने लोगों को रिकवर करना किया समंदर से, ये कम से कम उस शाम को और उस रात को अगले सवेरे अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। अब जैसा आप कह रहे थे कि उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवल टर्मिनोलॉजी डार्क नाइट, तो आपको कुछ दिखा नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन उसमें ऑपरेट करना मैं जैसे मैं कह रहा था ये हमें सिखाया जाता है, इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं, ये इसी के दिन के लिए हम ट्रेन करते हैं। बुलेटिन के इच्छुक विदाई दिंतु, नमस्कार।